नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश यादव आपका अपने चैनल एसआरजे कैनल पर स्वागत करूँ। हम लोग आज वर्ग की एक बहुत बढ़िया क्लास, जिसको हम लोग जैसे एक आयत की क्लास पढ़ी थी वैसे आज एक वर्ग की क्लास को कंप्लीट करें। ठीक, जैसे आयत की एक क्लास पढ़ी थी वैसे वर्ग की आज एक क्लास दूसरी पढ़ेंगे। तो इसमें आप देखें कि वर्ग से कोई भी क्वेश्चन है, इस वर्ग से कोई भी क्वेश्चन और किसी भी एग्जाम में अगर आपका आता है, तो फिर आपका, अगर आपने ये क्लास अच्छे से पढ़ी है तो फिर आपका क्वेश्चन कहीं भी जाएगा नहीं। ठीक, जैसे वर्ग, वर्ग में जैसे हमने एक आयत की क्लास पढ़ी थी, आयत में फिर आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आयत में आता तो आएगा। अगर आपने आयत की क्लास अच्छे से पढ़ी तो फिर कहीं क्वेश्चन बाहर नहीं गया। उसी टाइप से आपको आज वर्ग की क्लास करें। ठीक, वर्ग में, वर्ग में स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर या वर्ग एक ही बात होती, तो इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बिल्कुल छोटी छोटी जानकारी से लेकर और बड़े स्टैंडर्ड लेवल तक के सवाल को कंप्लीट करेंगे। जैसे वर्ग, सबसे पहले तो हम ये देखें कि वर्ग, वर्ग होता क्या, जो वर्ग है। ठीक, वर्ग वर्ग में वर्ग की चार भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। वर्ग की चार भुजाएं होती हैं और चार की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। जैसे आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के, वैसे वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं। इसके भी दो विकर्ण होते हैं, एक दूसरे को बराबर बराबर पर काटते। जैसे ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। जैसे आयत के बराबर काटते थे वैसे वर्ग के। ठीक, अब वर्ग में सबसे पहले आपको जैसे वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल, जैसे वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए, वर्ग का क्षेत्रफल सबसे पहले आपको फार्मूला ये तो छोटा सा, वर्ग का क्षेत्रफल होता भुजा स्क्वायर। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल होता भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। ठीक, आगे, ठीक, वर्ग में वर्ग का परिमाप होता है। परिमाप, परिमाप वही बाहर की माप। ठीक, परिमाप इसका कितना होता, चार इंटू भुजा, चार इंटू भुजा। परिमाप, वर्ग का परिमाप चार इंटू भुजा। जैसे वर्ग ऐसे आयत का परिमाप था और वर्ग पर, जैसे इसकी भुजा अगर ए है, इसकी भुजा ए है तो परिमाप कहाँ होगा, ये चारों भुजाओं का योग जो होता वही परिमाप होता। ठीक, ऐसे इसका विकर्ण होता, वर्ग आयत का भी विकर्ण था और वर्ग का भी विकर्ण होगा। वर्ग का विकर्ण होता ए रूट दो, वर्ग का विकर्ण ए रूट दो। ये तो इसके तीन छोटे छोटे बेसिक से फार्मूला है, तीन छोटे छोटे बेसिक से फार्मूला है। ठीक, अब इन्हीं बेस्ड पे आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक, वर्ग में किस टाइप, किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, आपको सबसे पहले तो ध्यान देने कि वर्ग में क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। तो सबसे पहले या तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, परिमाप पूछा जाएगा, विकर्ण पूछा जाएगा। ठीक, और वर्ग में बहुत सारे, बहुत टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो वर्ग है, आपको कभी ऐसे नहीं पूछा, वर्ग दे दिया, वर्ग की भुजा दे दी, क्षेत्रफल बताओ या परिमाप बताओ या विकर्ण बताओ, नहीं पूछेगा। ठीक, कभी घुमा के कहीं परिमाप देगा तो क्षेत्रफल पूछेंगे, ऐसे करके बहुत टाइप से क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल आपने बता दिया भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप चार इंटू भुजा, वर्ग का परिमाप चार इंटू भुजा। उसके बाद में विकर्ण ए रूट टू, विकर्ण कितना होता ए रूट टू। ठीक, अब एक क्वेश्चन बहुत फेमस इसका होता कि वर्ग की एक भुजा अगर बढ़ाई जाए, एक भुजा बढ़ाई या घटाई जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि पहले बेसिक से समझ लीजिए। जैसे कोई वर्ग की भुजा 10 है, अब आपको पता वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100। अच्छा, अब कहते हैं कि वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया गया। अब जब आप 10 को 10% बढ़ाएंगे तो वर्ग की भुजा कितनी होगी, 11 हो जाएगी। 10 को 10% बढ़ाने का मतलब है कि 10 बढ़ के 11 हो जाएगा। ठीक,
जब भुजा 10 थी तो क्षेत्रफल कितना 100, जब भुजा 11 होगी तो क्षेत्रफल कितना होगा 121 होगा, क्षेत्रफल कितना होगा 121। अब देख लीजिए आप कि 100 से क्षेत्रफल 121 हो रहा, कितना बढ़ रहा 21, कहाँ से बढ़ रहा 100 से, और गुणा में 100, 100 से 100 कैंसिल, आप 100 से 21% आंसर लगा सकते हो, ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल इतना परसेंट। या इसको अगर शॉर्टकट में लिखें तो आपको ध्यान देना होगा, जैसे कोई वर्ग है, वर्ग और समबाहु त्रिभुज और वृत्त, इन वर्ग समबाहु त्रिभुज और वृत्त, अगर इसकी भुजा में एक्स परसेंट की वृद्धि या कमी कर दी जाए, इसकी भुजा में एक्स परसेंट की वृद्धि या कमी कर दी जाए, इसकी त्रिज्या में एक्स परसेंट की, इसकी त्रिज्या में एक्स परसेंट की वृद्धि या कमी कर दी जाए, तो इन तीनों के लिए जो फार्मूला होता या ट्रिक होती, तो उसको देखिए, हमने पहले आपको बेसिक से बताया, पहले हमने आपको बेसिक से बताया, ठीक। जब आप बेसिक बहुत बार लगाएंगे तो आपको करना क्या है कि जब बेसिक बेसिक आपने बहुत बार लगाया तो फिर आप जल्दी भी लगा सकते हैं, तो बेसिक आपका कंप्लीट है। तो वर्ग समबाहु त्रिभुज और वृत्त, इन तीनों के लिए जैसे इनकी भुजा में एक्स परसेंट की वृद्धि या कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन होता 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100%, ठीक, 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100%, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। अगर वृद्धि हो रही तो आप प्लस रखिए और कमी हो रही तो आप माइनस रखिए, बहुत आराम से आपका लग जाएगा। जैसे इससे पहले हमने बताया कि वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन, अब बढ़ाने की बात है तो एक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे 10, 2 गुणा 10 प्लस 10 का स्क्वायर 100 बटे 100, ये हो जाएगा 10 दूनी 20, और प्लस 100 से 100 कैंसिल, 1, डायरेक्ट आपका 21% आएगा, ठीक। ऐसे ही समबाहु त्रिभुज में, वृत्त में भी ऐसे यही चीज आपके काम करेगी, ये चीज आपकी तीनों में मिलके काम करती है, ठीक। क्या काम करती है, ठीक, कहीं भी आपको दिख जाए कि एक वर्ग, एक समबाहु त्रिभुज, एक वृत्त, अगर इसकी भुजा में एक्स परसेंट की वृद्धि या कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन होता 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100%। अब कहीं वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया गया तो 2 गुणा 10 और बटे प्लस 10 का स्क्वायर 100 बटे 100, तो ये 10 दूना 20 और 100 से 100 कैंसिल, 1, 21% आपका आंसर हो जाएगा। सबसे बढ़िया ट्रिक है ये। अच्छा, ये तो बात हुई आपकी भुजा में प्रतिशत, भुजा में वृद्धि या कमी एक टाइप से। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जैसे इसमें वर्ग में ही पूछा जाता है, हम लोग चूंकि हम लोग वर्ग पढ़ रहे हैं, वर्ग में पूछा जाता है अंतःवृत्त और परिवृत्त। अंतःवृत्त जो बनता है वो चारों भुजाएं आपस में अंदर से टच करेगा, बाहर से, वृत्त के बाहर से, ये अंतःवृत्त है। अब अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी, अंतःवृत्त का जो व्यास है वो वृत्त की भुजा है, अगर वृत्त की, वर्ग की भुजा ए है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ये व्यास ए है तो त्रिज्या a/2। अच्छा, ये अंतःवृत्त है। परिवृत्त, परिवृत्त में क्या होगा, परिवृत्त में ये बाहर से होगा, परिवृत्त में वर्ग के बाहर वृत्त होगा, परिवृत्त, ठीक, कुछ इस टाइप से है, ये परिवृत्त है, ठीक। अब परिवृत्त का व्यास क्या है, जो वर्ग का विकर्ण है, जो वर्ग का विकर्ण है वो परिवृत्त का व्यास है, जो वर्ग का विकर्ण वो परिवृत्त का व्यास। अगर वर्ग की भुजा ए है तो इसका विकर्ण a√2, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या होगी a√2/2, व्यास से आधे, ठीक। कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या, मतलब क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ, ठीक, एक ही स्टैक से अंतःवृत्त परिवृत्त, ठीक। अच्छा, सब और इसमें सवाल पूछते हैं आपसे कि इसमें सवाल पूछते हैं कि कोई वर्ग है, कोई वर्ग और उसके विकर्ण पर बने वर्ग, जैसे ये वर्ग है, अब इसकी भुजा ए है, इसका विकर्ण कितना a√2, a√2 है, वर्ग और उसके विकर्ण पर बने वर्ग, विकर्ण कितना a√2,
अब इस पे ये जब वर्ग बनेगा तो इसकी भुजाएं कितनी होंगी, ए रूट टू, ए रूट टू, चारों भुजाएं ए रूट टू। अब ये जो वर्ग है और वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात, अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा इसकी ए तो क्षेत्रफल ए स्क्वायर। अब इसकी भुजा ए रूट टू है, ए रूट टू, तो इसका क्षेत्रफल ए रूट टू का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, अब ये ए स्क्वायर और रूट टू का स्क्वायर करें तो दो आएगा। अनुपात चाहिए तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, इधर एक और उधर दो, कितना अनुपात हो जाएगा, एक अनुपात दो। ऐसे डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया परीक्षा में। ठीक, अगर आपने बेसिक से अगर आपको पता तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अंतःवृत्त परिवृत्त, अब वर्ग में रास्ता होते हैं, वर्ग में रास्ते होते हैं। ठीक, चाहे तो इसको आप एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। कैसे, आपसे सवाल पूछा जाता है कि किसी वर्ग और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। तो हमने कोई वर्ग बना लिया ए, जिसकी भुजा ए, अब उसका विकर्ण ए रूट टू, अब जिसकी भुजा ए है उसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर, जिसकी भुजा ए रूट टू है उसका क्षेत्रफल ए रूट टू का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और रूट टू का स्क्वायर दो। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर बचा एक उधर बचे दो, तो वर्ग और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात हमेशा एक अनुपात दो होता है। ठीक, ये बहुत अच्छा सवाल है, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है। चलिए आगे किस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं, आगे वर्ग में सवाल जो पूछे जाते हैं कि हमने अंतःवृत्त परिवृत्त बताया, अब रास्ते, रास्ता कहीं पे वर्ग में रास्ते के मतलब रास्ते से सवाल पूछे जाते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल, जैसे वर्ग है ये कोई, अब इस वर्ग की भुजा हमने 20 मान ली, अब कहते हैं इसके बीचों बीच लंबाई चौड़ाई के समान, लंबाई के समानांतर एक 2 मीटर चौड़ी सड़क है, अब जो ये लंबाई के भी समानांतर है और चौड़ाई मतलब इस लंबाई के समानांतर है, क्योंकि वर्ग की भुजाएं सब बराबर है। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, कहीं पे इसके चौड़ाई के मतलब समानांतर ऐसे करके सड़क होगी, ये मतलब भुजा रख लीजिए आप 15 रख लीजिए, ये 3 रख लीजिए, तो ये 15 3 45, कहीं पर समानांतर काटती एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई दो सड़कें हैं, समकोण पर काटती हुई दो सड़कें हैं, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से। ठीक, और जब इस टाइप से बात होगी तो इस टाइप से जब बात होगी, ये जितनी चिकली सड़क होगी, जितनी ये चलो चौड़ाई है, इतनी भी चौड़ाई होगी, आपको अलग अलग भी दे सकते हैं, अलग अलग भी देते तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपने इसके समानांतर, ये इसके समानांतर, ये समकोण पर काटती हुई सड़क, जब समकोण पर काटती हुई सड़क की बात करें, अगर वर्ग की भुजा यहाँ पे मान लीजिए आपने 10 रखी, अब ये सड़क की चौड़ाई कितनी है, 2, अभी 2 हर जगह पर है, तो इधर का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये 20 हो जाएगा, इधर का क्षेत्रफल निकालेंगे तब भी 20 होगा क्योंकि भुजा 10 है। ठीक, तब ये कितना होगा, ये भी 20 होगा, तो 20 और प्लस 20 20 20 40, अब यहाँ पर ये जगह जो है दोनों तरफ से काउंट की हुई है। ठीक, जब ये दोनों तरफ से काउंट किए तो एक तरफ से रखें तो 20 20 कितना हो जाएगा, 40। अब यहाँ पे 2 बाई 2 का एक स्क्वायर बनेगा जो दो बार जुड़ा है, इसको क्या करना, एक बार रखना, तो 40 से 4 घटाए कितना बचेगा, 36, इसका क्षेत्रफल 36 4 होगा। ठीक, अब रास्तों का क्षेत्रफल कितना है, टोटल सड़कों का क्षेत्रफल 36 वर्ग इकाई जो भी है। ठीक, अच्छा, रास्ता अंदर से ये का नाम लंबाई के समानांतर, चौड़ाई के समानांतर, समकोण पर। ठीक, फिर इसमें क्या होता कि रास्ता अंदर से बाहर से भी रास्ते होते हैं, अंदर बाहर से भी रास्ते होते हैं वर्ग में, जैसे आयत में होते हैं। ठीक, अब जैसे कोई वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा रख लीजिए 10, अब इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ी सड़क है, अब वर्ग की भुजा कितनी है, 10, तो हर तरफ ये 10 10 होगी, अब 2 मीटर चौड़ा रास्ता है तो 2 यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, सब जगह 2 होगा। अब रास्ता सहित वर्ग की लंबाई कितनी होगी, 10 है, 2 इधर से बड़ी और 2 इधर से बड़ी, तो कितनी हो जाएगी, 14, ये अब ये भी 14 होगी, दोनों तरफ 2 2 बढ़ेगी 4। ठीक, अब रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, तो रास्ता सहित वर्ग की लंबाई कितनी है, 14 14 का स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। अब रास्ता छोड़ के उसका क्षेत्रफल भुजा कितनी है, 10, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100। इसको आप चाहें मतलब फार्मूला से लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चाहें आप 14 का स्क्वायर 196 और माइनस 100, तो 196 माइनस 100 बचेगा आपका डायरेक्ट 96 वर्ग इकाई जो भी है वर्ग इकाई, यहाँ भी लगा सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता ए प्लस बी
और ए माइनस बी, एक बार 14 प्लस 10 और एक बार 14 माइनस 10, 14 माइनस 10, 14 10 24 और 14 से 10 घटे 4 तो ये डायरेक्ट आएगा 96। जहां आप उधर से उसको आप फिर 96 से लगाइए। आपको ये तरीका पता होना चाहिए। रास्ता बाहर से था, कहीं पर क्या होता, रास्ता अंदर से होता। जब रास्ता अंदर से आ जाए, ठीक, जब रास्ता अंदर से आ जाए, ठीक, जब रास्ता अंदर से आ जाए वर्ग में, रास्ता अंदर से आ जाए, ठीक, कैसे, जैसे कोई वर्ग है, वर्ग की भुजा रख लीजिए 20, ठीक, वर्ग की भुजा 20, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती तो चारों बराबर रखें। अगर वर्ग की भुजा 20 है, अब अंदर की ओर 1 मीटर 2 मीटर चाहे जितने मीटर हो, 1 मीटर या 2 मीटर चौड़ा रास्ता होगा ऐसे करके अंदर की साइड। अभी 20 है, मान लीजिए रास्ता 2 मीटर चौड़ा है, दो इधर, तो भी कितना बचेगा, 16 बचेगा, दो इधर कम हुआ, दो इधर, ऐसे ये वर्ग है चूंकि, तो सब भुजाएं बराबर होंगी, तो अब ये भी 16 बचेगा। अब रास्ते का क्षेत्रफल, पहले रास्ता सही क्षेत्रफल मिलेगा, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 16 का स्क्वायर 256, ठीक, 20 का स्क्वायर 400 और 16 का स्क्वायर 256, तो 400 से 256 घटाए 144 बचेगा। 10 से 6 घटे 4 और 9 से 5 घटे 4 और 3 से 2 घटे 1, 144 बर्गी का है। रास्ता चाहे बाहर से हो चाहे अंदर से हो, ठीक, आपको रास्ते का क्षेत्रफल कुछ ऐसे ही निकालना है। अभी आपको 40 सवाल, 40 मतलब 30 40 सवाल करवाएंगे, जरूर ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, ठीक। तो इसमें भी वो होता, वो त्रिज्यखंड वाले घोड़ा रस्सी से बंधे, ठीक, कहीं पर एक रस्सी से, सवाल ऐसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वर्ग के एक कोने पर 7 मीटर लंबी 14 मीटर लंबी रस्सी से गाय बंधी है, तो वर्ग के कितने क्षेत्रफल की घास चरेगी, तो त्रिज्या कितनी है इसकी, 7, जो भी हो, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल उस आयत वाले में भी बताएं, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये एक का है, और आपको चार का चाहिए हो तो चार का, दो का चाहिए तो दो का गुणा कर लीजिए। ये थीटा हमेशा ध्यान रखिए, आयत में है तो 90 डिग्री, वर्ग में है तो 90 डिग्री, समबाहु त्रिभुज में है तो 90 डिग्री, मतलब आकृति के हिसाब से थीटा की वैल्यू होती है। ठीक, त्रिज्यखंड, रास्ता बाहर से अंदर से, समकोण मतलब समकोण पर जहाँ भी है, अंतावृत परिवृत सब आपको हमने बता दिए, कंप्लीट करवा दिए, आयत वर्ग में। अब इसके वर्ग के आप प्रैक्टिस में देखेंगे किस किस टाइप के सवाल आते हैं, ठीक। अगर आपने विश्वास मानिए, अगर आप इस क्लास को बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, तो फिर आपका किसी भी एग्जाम में अगर वर्ग से कहीं क्वेश्चन बन रहा तो आपका छूटेगा नहीं, तो अच्छे से आप वर्ग सीख भी जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहला सवाल है आपका कि किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, वर्ग की भुजा 45 मीटर है, क्षेत्रफल चाहिए, तो आप 45 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 45 का स्क्वायर, स्क्वायर करने में भी मतलब एक शॉर्टकट होता है, जैसे 5 का स्क्वायर कर लीजिए 25, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया, इन दोनों का आपस में गुणा, 5 को 20 का डबल कर दीजिए 40, और पीछे से एक अंक छोड़ के जोड़ दीजिए, 5 2 6 4 10 और 2 20 25, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 20 25 क्षेत्रफल। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 एयर दिया, एक एयर बराबर, हमने आपको बताया था कि एक एयर बराबर, ये पहले तो एक हेक्टेयर बराबर अगर पूछा जाए आपसे, एक हेक्टेयर बराबर होता 10,000 वर्ग मीटर, एक हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, एक एयर बराबर, अगर एक एयर बराबर पूछा जाए तो ये होता 100 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर एक एयर बराबर। अब सवाल में कहा गया आपसे एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 एयर है, तो 16 एयर, एयर की वैल्यू 100, एक की, तो 1600 हो जाएगा, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना हुआ 1600। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर आपको पता 1600 है, इधर से स्क्वायर हटाए, इधर रूल लगा दिए, तो भुजा इसकी हो जाएगी 40, वर्ग की भुजा बताओ 40। इस टाइप से आपको सवाल मिलेंगे करने का, बढ़िया बढ़िया सवाल है। आगे देखिए, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 है, 256 है, भुजा आप निकाल लें कितनी आएगी 16,
अब जब भुजा आपने निकाल ली 16, तो बर का विकर्ण होता ए रूट टू, ए रूट टू ए भुजा होती, तो 16√2। आप बहुत आसानी से बिना पेन कॉपी उठाए इसको लगा सकते हैं। ठीक, अगला है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अब वर्ग के क्षेत्रफल जैसे इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए वन है, इसकी भुजा ए टू है, इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर ए वन को स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल ए टू का स्क्वायर। अब इनका अनुपात दिया गया, अब भुजाओं का अनुपात चाहिए, भुजाओं का अनुपात चाहिए, तो जैसे उसी वर्ग का क्षेत्रफल 9 है, ए स्क्वायर बराबर 9 है, तो ए बराबर कितना होगा 3, मतलब इधर रूट लग जाएगा, इधर रूट लग जाएगा। तब भुजाओं का, जब भुजाओं का अनुपात, पहले तो भुजाएं निकाल लें फिर परिमाप, परिमाप दोनों के फार्मूला बराबर होते हैं, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 3, और इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 1। अब इनके परिमाप, परिमाप इसका होता 4a, इसका भी 4a होगा, इसका परिमाप कितना होगा 4a, दोनों के परिमाप 4a होंगे, तो 4 दोनों में कैंसिल, तो अनुपात कितना बचेगा 3:1, परिमापों का अनुपात 3:1। ऐसी टाइप से बढ़िया सवाल है, आगे और भी आपको अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक, एक से शानदार सवाल, एक से बढ़िया सवाल, एक वर्गाकार मैदान की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताओ। हमने आपको बताया, चाहे आप वैसे लगा सकते, जैसे 25% के अगर भिन्न तोड़ें तो 25/100 1/4, मतलब क्या हुआ, पहले भुजा 4 है और बड़े के 1 बड़े के कितनी हो जाएगी 5, जब भुजा 4 थी तो क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा स्क्वायर 16, जब भुजा 25 है तो 5 है, तो क्षेत्रफल कितना होगा 25। अब क्षेत्रफल देख लीजिए 16 से 25 होगा, कितना बढ़ रहा 4, 5, 9 बढ़ रहा, कहाँ से 16 से गुणा में 100। ठीक, काट लीजिए 4 चौक 16 4 25 100, 25 ने मा 225/4, 4 5 20, 4 5 20, 2 5 25, 4 6 24, 4 2 8, 4 5 56.25%। आप ऐसे लगा सकते हैं, हमने आपको एक फार्मूला भी बताया, आप उससे भी लगा सकते हैं। फार्मूला क्या है कि 2x, मतलब 2×25 प्लस 25 का स्क्वायर 625/100, तो ये हो जाएगा 50 प्लस, यहाँ से दो बिंदी काटे तो ऊपर 2 अंक बाद दशमलव, तो 6.25, तो ये हो जाएगा 56.25% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, अगला सवाल देख लीजिए, 120 मीटर भुजा के वर्गाकार ग्राउंड के बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटती हुई 20 मीटर चौड़ी दो पट्टियां बनी है, पट्टियों को छोड़कर शेष ग्राउंड का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक, अब 120 वर्ग की भुजा कितनी है, 120 वर्ग की भुजा 120 है। ठीक, वर्ग की भुजा 120 है, वर्ग की भुजा कितनी 120, बीचों बीच समकोण पर काटती 20 मीटर चौड़ी, मतलब ये जो इसकी चौड़ाई है 20, और 20 समकोण पर ऐसे कुछ काट रही, अभी 20-20 की पट्टियां बनी है, पट्टियों को छोड़कर शेष ग्राउंड का क्षेत्रफल चाहिए, तो हमें पहले पूरा क्षेत्रफल चाहिए, पूरे आप वर्ग का 120 का स्क्वायर करें, 20 का स्क्वायर 120 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144 और 1 0 की 2 0, 14,400 हो गया। अब इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे, इस पट्टी का क्षेत्रफल, तो 120 और गुणा में 20, तो ये हो जाएगा 12 × 24 और 2 0, 12 × 24 2 0। ऐसे इस पट्टी का निकालेंगे, वर्ग की भुजा तो बराबर है, तो उसका भी 2400 ही होगा, 2400 ही होगा, 2400 2400 4800। अब ये वाली जो जगह है ये दो तरफ से काउंट है, तो इसमें एक बार माइनस हो जाएगी, 2400 हो जाएगा 4800, और इसमें 20 का स्क्वायर 400 माइनस कर दीजिए, 4800 से 400 माइनस किए तो 4400 बचेगा, 4400। अब पट्टियों का क्षेत्रफल कितना आया 4400, अब पूरे ग्राउंड का क्षेत्रफल कितना 14,400, तो इससे आप 4400 माइनस कर दीजिए, ये पट्टियों का क्षेत्रफल है, तो कितना सीधा सीधा बचेगा 10,000 वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर। बहुत बेसिक से आप सीख लीजिए, ज्यादा को सवाल में नहीं करना होता। ठीक, ऐसे अगला सवाल, ठीक अगला है कि किसी वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या 2√7 है, वर्ग के परिवृत्त का क्षेत्रफल बताओ, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या,
ठीक अंतः वृत्त की त्रिज्या आपको बताने दी गई है। अंतः वृत्त की त्रिज्या, अंतः वृत्त मतलब जो अंदर से टच करे, जो अंदर से टच करे। अब इसकी त्रिज्या 2√7 है, इसकी त्रिज्या अंतः वृत्त की त्रिज्या 2√7 है, ये इतना 2√7 है। अच्छा पूरा इसका करेंगे, पूरा व्यास, तो व्यास कितना हो जाएगा इसका 2 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 4√7। व्यास कितना हो गया 4√7 हो गया, व्यास 4√7 हो गया। अब वर्ग की भुजा भी 4√7 ही होगी, 4√7 ही होगी, ठीक। अब जब वर्ग की भुजा 4√7 है तो वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या चाहिए, परिवृत्त मतलब इधर से कुछ ऐसे, परिवृत्त और की त्रिज्या चाहिए। अब वर्ग की भुजा पता है 4√7 है, तो वर्ग का परिमाप विकर्ण कितना होगा, वर्ग का विकर्ण होगा ये a√2, a कितना है 4√7 है, अब a√2 √2 ये तो हो जाएगा 4√14। वर्ग का विकर्ण कितना हो गया 4√14। अब ये परिवृत्त का व्यास है, त्रिज्या कितनी होगी इसकी, त्रिज्या होगी इसकी 2√14, त्रिज्या कितनी होगी 2√14। अब इसी का क्षेत्रफल चाहिए, परिवृत्त का ही क्षेत्रफल देख लीजिए फिर के। अंतःवृत्त की त्रिज्या 2√7 दी थी, अंतःवृत्त का व्यास 4√7 हो जाएगा। अब जब अंतःवृत्त का व्यास 4√7 है तो वर्ग का, वर्ग की भुजा भी 4√7 होगी, जब वर्ग की भुजा 4√7 आई तो वर्ग का विकर्ण 4√14 होगा, a√2 होता। अब जब वर्ग का विकर्ण 4√14 है तो परिवृत्त का व्यास 4√14 है और परिवृत्त की त्रिज्या इससे आधी 2√14, ठीक। अब परिवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए तो परिवृत्त का क्षेत्रफल आप ऐसे निकाल दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 और 14√14 का स्क्वायर 14, तो हो जाएगा 14 × 56, 14 × 56 हो जाएगा, कुछ इस टाइप से। बढ़िया सवाल है, आगे आगे। एक वर्ग के चारों भुजाओं पर अर्धवृत्त बनाए गए, एक वर्ग के चारों भुजाओं पर अर्धवृत्त बनाए गए, वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर, पूरी आकृति का क्षेत्रफल बताओ, ठीक। एक वर्ग की चारों भुजाओं पर अर्धवृत्त बनाए गए, वर्ग की भुजा कितनी है 14, ये तो सब जगह 14 होगी, इसकी भुजाओं पर प्रत्येक भुजा पर अर्धवृत्त कुछ ऐसे बने, ऐसे ऐसे, ठीक ऐसे बने। अब आपको पता ये भुजा 14 है तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। अब पूरी आकृति का क्षेत्रफल चाहिए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता, वृत्त का क्षेत्रफल होता, वृत्त का क्षेत्रफल πr² अर्धवृत्त का इसका आधा, तो ऐसे लिख लें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr² / 2, ठीक। अर्धवृत्त चूंकि एक एक अर्धवृत्त का अगर पता चलेगा 4 का गुणा कर लीजिए 4 आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा πr² / 2, ये एक का है, 4 का चाहिए तो 4 का गुणा कर लीजिए आ जाएगा 2 2πr² ये तो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल आ गया, प्लस वर्ग पूरी आकृति चाहिए और प्लस वर्ग का भी क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा भुजा स्क्वायर, 14 भुजा है तो क्षेत्रफल हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 196, यहाँ पे पाई की वैल्यू रख लीजिए, आर पता है आपको, आर कितना 7 है, तो 2 × 22 / 7 × 7 / 7 + 196, 7 से 7 कैंसिल, ये 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28, 14 × 2 = 28, 28 × 2 = 30 और + 196, जब +196 करेंगे तो हो जाएगा 8 × 6 = 14, 9 × 10 = 4 × 5, पूरी आकृति का क्षेत्रफल 504 वर्ग इकाई, वर्ग सेंटीमीटर, मात्र यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। इस टाइप से बहुत बढ़िया सवाल है, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत बढ़िया सवाल है, आप इसको सीख के जाइए, कोई भी आपका एग्जाम हो, भविष्य में कोई भी एग्जाम हो, आप ये हर मतलब या हर एक सवाल हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा अब जो ये सवाल है कि 24 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग, भुजा के वर्ग के चारों शीर्ष बिंदुओं को केंद्र मानकर, ठीक,
केंद्र मानकर इस व्रत इस प्रकार बनाया एक दूसरे को। चलिए अगला देखते हैं इसको, इसको देख लीजिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है, एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया, उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की रूट 2 गुना है। अब कोई वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 200 है, क्षेत्रफल 200 है, अगर क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 200 है। अब 200 का आप ले लीजिए 2 गुणा 100, इधर से स्क्वायर हटाइए इधर रूट लगा दीजिए, तो यहाँ पे ए बराबर आएगा आपका 10√2, 10 का वर्ग 100 का वर्गमूल 10, रूट 2 का आएगा तो ए बराबर आ गया 10√2। ठीक, अब एक नया वर्ग इस प्रकार है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की लंबाई का रूट 2 गुना है। अब पहले वर्ग की भुजा कितनी है, ए है, पहले वर्ग की भुजा कितनी है, ए। ठीक, जब भुजा ए है तो इसका विकर्ण कितना होगा, a√2, ये पूरा ए है इसमें a√2 का और गुणा करना तो जाएगा 10 × 20। अब पहले वर्ग का जो विकर्ण आया कितना, 20 है, पहले वर्ग का विकर्ण 20 है। अब दूसरे वर्ग, एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुना। अब √2 गुना ये क्या है, ये दूसरे वर्ग का विकर्ण है। ठीक, ये है a√2 बराबर कितना, 20√2। अब ये दूसरा वर्ग है एक जो नया बनाया गया, तो यहाँ पे a बराबर कितना होगा, a बराबर होगा 20। तो दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आई, 20। दूसरे वर्ग की भुजा कितनी, 20। पहले वर्ग की भुजा कितनी थी, 10√2। पहले वर्ग का विकर्ण 20 था, पहले वर्ग का विकर्ण 20, दूसरे वर्ग का विकर्ण √2 गुना, तो 20√2। a√2 = 20√2, a = 20। अब दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आई, 20। पहले वर्ग की भुजा कितनी थी, 10√2। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, भुजा 20 है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सभी पता, 20 का स्क्वायर 400 होगा। आप इसी टाइप से बिल्कुल बेसिक से मतलब कॉन्सेप्ट से आप सीखिए, बहुत अच्छे आपको समझ में भी आएंगे। अगला है, यदि वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल, वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए। ठीक, वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए। अब वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2 में भुजा कितनी है, a, इसको 2 गुना करेंगे। इसको बिल्कुल बेसिक से समझ लीजिए आप, कैसे बेसिक से समझें, कोई वर्ग है, ठीक, इसकी भुजा अगर a है, इसकी भुजा a है तो विकर्ण कितना होगा, a√2। अब विकर्ण कितना कर दिया जाए, 2 गुना, विकर्ण 2 गुना, तो ये 2 गुना, इसमें 2 का गुणा करें, 2a√2, इसका विकर्ण कितना हो गया, 2a√2। अब ये विकर्ण है, ये विकर्ण कितना होता, a√2, a√2 बराबर है 2a√2। ठीक, यहाँ पे इस वर्ग की भुजा, मतलब यहाँ पे इस वर्ग की भुजा निकालनी है आपको, ये a√2 = 2a√2, ये दूसरे वर्ग का विकर्ण है। अगर यहाँ पे भुजा की बात करें तो भुजा भी 2 गुनी हो रही, a = 2 है, भुजा भी 2 गुनी हो रही। अब जब इसकी भुजा a थी तो इसकी भुजा कितनी होगी, 2a, इसकी भुजा 2a, जब इसका क्षेत्रफल a² तो इसका क्षेत्रफल 4a², तो क्षेत्रफल कितने गुना हो गया, 4 गुना, क्षेत्रफल 4 गुना। ठीक, क्षेत्रफल कितने गुना हो गया, 4 गुना। इसी टाइप से आपको सवाल में बिल्कुल बेसिक से लगाना है। ठीक, आगे अगला सवाल है, एक वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। अभी हमने आपको शुरुआत में बेसिक से इसको बताया, 1:2 होता, 1:2 होता। आगे, वर्ग की भुजा आधी कर दी जाए तो क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा आधी कर दी जाए। अब समझिए इसको, जैसे वर्ग है, इसकी भुजा मान लीजिए 2a है, अब दूसरा वर्ग बनाया जाए, उसकी भुजा आधी कर दी जाए तो a, अब इसका क्षेत्रफल जब 2a, इसकी भुजा 2a है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4a², इसकी भुजा a², इसका, इसकी भुजा a, क्षेत्रफल a², अब इसकी भुजा 2a तो इसका क्षेत्रफल 4a², जब भुजा आधी कर दी गई तो क्षेत्रफल 1/4 गुना हो गया, 1/4 गुना, जब भुजा आधी हुई तो क्षेत्रफल 1/4 गुना, अगर भुजा 2 गुनी हो तो क्षेत्रफल 4 गुना, विकर्ण 2 गुना कर दिया तो क्षेत्रफल 4 गुना। इस टाइप से अगला सवाल है,
वर्ग की भुजा 3√2 सेंटीमीटर है, विकर्ण की लंबाई बताओ। ये भुजा दी गई, ए बराबर 3√2, 3√2। अब विकर्ण क्या होता, विकर्ण होता √2, √2। अब यहाँ पे √2 का और गुणा करना तो जाएगा 3 और 2 6, वर्ग का विकर्ण 6 हो जाएगा। ठीक, अगला है 44,100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार फुटबॉल मैदान की बाढ़ के लिए कितने मीटर तार की जरूरत होगी। ठीक, कोई वर्ग है जिसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर 44,100। आप समझ जाइए इसकी भुजा कितनी होगी, इसकी भुजा होगी 21, मतलब 210, भुजा 210। अब इसका परिमाप चाहिए, परिमाप चाहिए तो इसकी भुजा 210 है, इसमें आप 4 से गुणा कर लेंगे, 840 मीटर तार की मतलब जरूरत पड़ेगी। तो किसी वर्ग की वर्ग का क्षेत्रफल 44,100 वर्ग मीटर है तो उसका मैदान का परिमाप चाहिए, आसपास बाड़ लगाने का मतलब है परिमाप चाहिए। क्षेत्रफल 44,100 और भुजा कितनी 210, भुजा 210 चाहे तो कर देगी बिल्कुल बेसिक से। किसी सवाल है कि किसी 4400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले फुटबॉल मैदान की बाड़ के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। अभी क्षेत्रफल दिया गया वर्ग का, ए स्क्वायर बराबर 4400, जब ए बराबर निकालेंगे इधर रूट करें, इधर से रूट स्क्वायर हटाए उधर रूट, तो जाएगा 210। अब भुजा कितनी आ गई 210। अब वर्ग का परिमाप कितना होता 4a 4 × भुजा, तो जाएगा 21 × 84 840 मीटर। अगला है कि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5√2 है तो इसका क्षेत्रफल बताओ। वर्ग का विकर्ण मतलब a√2 बराबर 5.2 दिया है, यहाँ पर ए बराबर जब निकालें, जब ए बराबर निकालें तो 5.2/√2 ए बराबर, चाहे तो इसका ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, चाहे क्षेत्रफल चाहिए तो इसी का स्क्वायर कर दीजिए, भुजा निकल आई, क्षेत्रफल आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 5.2×5.2/√2 का स्क्वायर करें 2 आ जाएगा। ठीक, जब इसको काटेंगे या आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, 5.2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 0 4, 5 का 25, 5 × 10 10 × 20, 4 0 5 2 7 7 27 4 2 10, 2 से भाग दे दीजिए, 2 × 2 2 3 6 और 2 × 5 10 2 × 9 4 13.52 क्षेत्रफल 13.52 वर्ग इकाई। अगला है कि दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, इसके क्षेत्रफलों के योग के बराबर, इनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर एक तीसरे वर्ग का परिमाप बताओ। दो वर्ग जिनके परिमाप मतलब 4a बराबर दिया 24, 4a बराबर 24, तो a बराबर 6, इसका a 8, इसकी भुजा 6, इसकी भुजा 8, इसका क्षेत्रफल 36, इसकी भुजा 8 है क्षेत्रफल 64। अब दोनों का क्षेत्रफल 100, तो क्षेत्रफल 100 है तो भुजा उसकी 10 होगी, भुजा कितनी होगी 10। अब तीसरे वर्ग का परिमाप चाहिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है, उसका क्षेत्रफल, अब भुजा पता है 10, तो इसमें 4 का गुणा कर दीजिए 40 हो जाएगी। अगला ये सरल सवाल है, दो भिन्न भिन्न लंबाई के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 वर्ग मीटर है, तो बड़े रेखाखंड की लंबाई बताओ यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। अब दो रेखाखंड हैं जिन पर वर्ग बने, एक एक्स है और एक एक्स प्लस 2 है, अब इन पर बने हैं वर्ग, इन पर बने वर्ग ऐसे। ठीक, अभी अगर ये एक्स है तो ये एक्स प्लस 2, इनके क्षेत्रफलों का अंतर 32 है, इनके क्षेत्रफलों का अंतर 32 है, जब इसकी भुजा एक्स है तो क्षेत्रफल कितना होगा एक्स स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, इनका अंतर 32 दिया गया, 32 दिया गया, तो इसका क्षेत्रफल जब निकालें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
दो दूनी चार, चार एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 32, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक, चार उधर गए तो बचेंगे 28। अब इधर कितने, चार एक्स, चार एक्स बराबर 28, एक्स बराबर 7, एक्स बराबर 7, अगर ये भुजा 7 है इसकी तो इसकी भुजा 9 होगी, ठीक। दो भिन्न भिन्न रेखाखंडों का लंबा क्षेत्रफल का बड़े रेखाखंड की लंबाई बताओ, बड़े रेखाखंड की लंबाई 9 होगी। बहुत ही आसान सवाल है। अगला सवाल,